नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण प्रभुदेसाई। आप देख रहे हैं ट्रैक इन टेक, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो जरूर करिएगा। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताने वाला हूँ, ये है मोबाइल वारंटी और मोबाइल इंश्योरेंस के बीच में। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और सवाल पूछते हैं कि यार मेरा मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन जो है वो 30-40 हज़ार रुपये का है लेकिन वारंटी में है, तो एक साल के बाद मैंने इंश्योरेंस लेना चाहिए या मैंने अभी लेना चाहिए? तो मैं उनको एक सजेशन देता हूँ और यही मैं आपको भी बताऊँगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे याद से क्लिक कीजिएगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको मोबाइल वारंटी क्या होती है। मोबाइल वारंटी जो होती है वो मैन्युफैक्चरर देता है। और एक बात याद रखिए जो हम बहुत सारे लोग मिस करते हैं, अगर आपने मोबाइल वारंटी कार्ड भरा नहीं है तो आपको वारंटी वो वॉइड है, बेसिकली आपको वारंटी मिलेगी नहीं। तो याद रखिए, जब भी आप कोई नया गैजेट लेते हैं तो उसका वारंटी कार्ड ज़रूर भरिएगा, और जिधर से आपने लिया हुआ है उसका स्टैंप उस वारंटी कार्ड पर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मेजॉरिटी ऑफ लोग ये मिस करते हैं, तो ये आप ज़रूर करिएगा। And this is true not only for mobile phones or smartphones, it is for every gadget। आप TV लो, fridge लो, कोई headphones लो या mobile phone लो, जो भी gadget आप लेते हो सबकी warranty होती है, सबका warranty card आपको भरना ही चाहिए अगर आपको warranty चाहिए तो। दूसरी बात, warranty card पे date of purchase चाहिए, जिस dealer से आपने लिया हुआ है उसका नाम चाहिए, और आपके product का या gadget का serial number चाहिए। ये तीन चीज़ें बहुत important है, date की वजह से पता चलता है कब buy किया है आपने और वो valid warranty जो है वो कब तक valid है। तो ये बहुत important बात आप याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा warranty में क्या क्या covered होता है। सबसे पहले warranty जो होती है वो जो भी manufacturing defects होते हैं, मतलब आपने फ़ोन ख़रीदा ऑनलाइन या कोई ऑफलाइन रिटेलर से और पहले ही दिन घर पर आते हैं और चालू नहीं होता है, या आपको कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट पाता है, आपका स्क्रीन बराबर से नहीं है, आपने कुछ किया नहीं है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो वारंटी कवर करता है। और वारंटी यानी क्या? बेसिकली ये जो स्मार्टफोन्स होते हैं, स्मार्टफोन की जो वारंटी होती है वो रिप्लेसेबल होती है। इसका मतलब कि अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आपको आता है उसमें तो आपका फ़ोन या जो भी गैजेट है वो रिप्लेस कर सकते हैं और आपको नया मिलेगा विद इन दैट वारंटी पीरियड। अगर 6 महीने की वारंटी हो तो 6 महीने के अंदर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा तो आपको रिप्लेसेबल नया गैजेट उसके जगह पे मिल जाएगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो वारंटी होती है, आपके जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जो करेक्ट कर सकते हैं ऑथराइज्ड रिटेलर के या ऑथराइज्ड डीलर के पास जाके, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर के पास जाके। तो ऐसे टाइम पे वो रिप्लेस नहीं करते हैं गैजेट, वो सिर्फ ठीक करके देंगे आपको गैजेट्स और वो आप वापस लेंगे। सो ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम यू आर गोइंग टू गेट द गैजेट रिप्लेस, दैट विल नॉट हैपन। Sometimes it will be corrected and then given back to you. दूसरी बात, आप पूछेंगे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स क्या होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स ऐसे होते हैं कि अगर आपने आपके फ़ोन को पानी में डाल दिया और वो चलना बंद हो गया तो वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं हुआ। दूसरी बात, जैसे आपको स्मार्टफोन बॉक्स में मिला या जो भी गैजेट बॉक्स में मिला है वैसा ही वो होना चाहिए, उसमें अगर कुछ भी चेंज होगा सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में तो वारंटी वॉइड हो जाएगी। वारंटी में एक और बात होती है, अगर आपका मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन या गैजेट कोई चुरा लेता है, इफ़ इट इज़ अ थेफ्ट, देन वारंटी डज नॉट कवर एनीथिंग। एंटी थेफ्ट नहीं होता है वारंटी में। वारंटी इज मेंट ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स, दैट्स इट। तो सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मोबाइल इंश्योरेंस आपने लेना चाहिए या नहीं? अगर वारंटी हो तो आपने ज़रूर लेना चाहिए। अगर आपका स्पेशली आपका गैजेट अगर बहुत एक्सपेंसिव हो तो आपने मोबाइल इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि मोबाइल इंश्योरेंस जो होता है वो बहुत सारे दूसरे चीज़ें भी कवर करता है। मैं बोलता हूँ आपको कैसे। तो अगर आप मोबाइल इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले, अगर एक्सीडेंटल फ़ोन आपका गिर गया, उसका अगर स्क्रीन डैमेज हो गया, क्रैक हो गया, कुछ डेंट्स आ गए, तो ये सब आपका मोबाइल इंश्योरेंस में कवर्ड होता है। इफ़ यू आर प्रोन टू ड्रॉपिंग द फोन मोस्ट ऑफ द टाइम्स, देन यू शुड गो फॉर मोबाइल इंश्योरेंस, इवन इफ इट इज इन वारंटी, बिकॉज वारंटी विल नॉट कवर इट। दूसरी बात, बाय मिस्टेक आप स्विमिंग कर रहे हैं या फ़ोन आपके पॉकेट में भूल गए, पानी में गिर गया और अगर बंद हो गया तो भी मोबाइल इंश्योरेंस कवर करता है, जो भी डैमेजेस है वो कवर करता है। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। तीसरी बात, मोबाइल इंश्योरेंस में 24/7 टेक्निकल सपोर्ट होता है, तो आपको अगर कुछ क्वेरीज हैं, अगर आपको ठीक तरह से कुछ ऑपरेट करना नहीं आ रहा है फ़ोन को,
तो मोबाइल इंश्योरेंस कंपनीज या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो आपको हेल्प करेंगे, तो उसमें भी मोबाइल इंश्योरेंस का बहुत फायदा होता है। सबसे बड़ी बात, अगर आप भुलक्कड़ हैं, आप फ़ोन इधर उधर भूल जाते हैं या आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, मोबाइल इंश्योरेंस वो भी कवर करता है। तो मोबाइल इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए जो सवाल पूछा था, अगर आप वारंटी में हैं तो इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं, तो वो ज़रूर लेना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपका गैजेट, ये एक्सपेंसिव गैजेट है, 20-25 हज़ार के ऊपर का है, तो आपने ज़रूर इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और जब तक आप लेते रहेंगे, आपका नियरली एवरीथिंग इज़ कवर्ड अंडर दैट मोबाइल इंश्योरेंस। स्क्रीन अगर हो जाता है, थेफ्ट हो जाता है, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है सॉफ्टवेयर में, एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर मोबाइल इंश्योरेंस, एंड दैट्स व्हाई यू शुड गेट मोबाइल इंश्योरेंस। आपकी वारंटी हो ना हो, आपका मोबाइल इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया में जो अच्छी मोबाइल इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके बारे में। तो आप देखते रहिए और हमारे चैनल पर आते रहिए। अगले वक्त तक के लिए।